इधर। अरे अभी से कल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम से देख। आज एक ऐसी पीड़ा के बारे में बात करेंगे जिसकी आज तक किसी ने दवाई बनाई ही नहीं है। ये एक ऐसी पीड़ा है जिसके लिए वैज्ञानिक भी शोध में पड़े हैं कि इस पीड़ा के लिए कुछ तो मेडिसिन होगी, लेकिन साइंस भी इसमें घुटने टेक चुका है, इसके सामने विवश हो चुका है कि इसका वो उपचार नहीं खोज पाए हैं आज तक। तो उसी के बारे में बात करेंगे। जो भारतीय समाज में लगे दीमक की तरह है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे और उसकी गंदी गेंद फाड़ेंगे कि वो जो वास्तव में जो मुंह से विष्ठा करता है, जो उसकी विष्ठा है, उसी को वापस को खिलाने का काम करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भकलोल डॉग्स में। आज हम बात करेंगे श्री श्री 1008 रविशुद्दीन बाबा की, जो इतनी कुंठित मानसिकता के साथ अपने वीडियो में आते हैं कि क्या बोलते हैं उनको ही समझ नहीं आता। कभी कभी तो वो एक चीज़ बोलते हैं और उनको ही समझ नहीं आता। वो बोलते हैं कि अखबार पढ़ लेने से अखबार पढ़ना नहीं आ जाता है, ना टीवी खोलकर देख लेने से टीवी देखना आ जाता है। हो गए बकचोदे, हम मालूम है तेरे बाप को। पेपर पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपको पढ़ना नहीं आता। आप टीवी देख रहे हैं आप, लेकिन आपको टीवी देखना नहीं आता। अब इसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं, क्या आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपको वीडियो देखना नहीं आता? आपको 6 महीने का ये कोर्स करना पड़ेगा वीडियो देखने के लिए। ये सो रहा है लेकिन इसको सोना नहीं आता। रवीश जी के अनुसार ये सो रहा है लेकिन इसको सोना नहीं आता। ये क्या बात करता है यार, समझे? आप पेपर पढ़ रहे हो लेकिन आपको पेपर पढ़ना नहीं आता। ये इस टाइप की इसकी पत्रकारिता है, इसका जर्नलिज्म ऐसे ही स्टार्ट हुआ है, जो कि कहीं की बात को कहीं ले जाकर रिलेट करने का कोशिश करता है और अपने को बहुत एकदम मतलब ऐसा प्रखर, इसके जैसे कोई विद्वान नहीं है, इसके जैसे कोई दूसरा दुनिया में जन्म ही नहीं लिया, एकमात्र यही इंसान है जो पत्रकारिता के दुनिया में क्रांति लेकर आया है और पत्रकारिता इसके चीनी उंगली से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार की बात करता है। अगर कोई सच्चा है तो सिर्फ ये है, बाकी सब गोदी मीडिया है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही मतलब इसकी रोने की मतलब एक वो है कि कभी ख़त्म ही नहीं होता। ये इतना रोता है कि मतलब अगर रोने की प्रतियोगिता होगी तो आप इसको 10 साल आगे मानिए अपने से, आप जीत ही नहीं सकते इसको। आपको 10 साल लग जाएगा वहाँ तक पहुँचने में, ये इतना आगे है आप लोग से रोने में। और ये दूसरे को गोदी मीडिया बुलाता है और ये जो कांग्रेस का प्रवक्ता बनकर जो कांग्रेस का विरोधाभास झलकाता है, जो ये अपनी विष्ठा वीडियो के माध्यम से लोगों को दूषित करने के लिए विष्ठा जो परोस रहा है लोगों को, उसका क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम लोगों का दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? तो यह भी तय करना है कि जंतर मंतर पर ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ जो हुआ है वो आज के गर्व वाले दिन को कितना महान बनाता है, और जो राष्ट्रपति के साथ हुआ है उससे आज का दिन कितना गौरवशाली बन जाता है। हम आज के वीडियो में आगे, आज कांग्रेस को राष्ट्रपति की अपमान की चिंता हो रही है। अगर कांग्रेस ऐसा बोलती है तो एक प्रकार की विडंबना है। ये ऐसी बात है कि जैसे रंडिया सिखा रही है प्यार करना, या ऐसा है कि वैश्या बता रही है मैं वर्जिन हूँ बोलकर, ये इस प्रकार की बात है। और जो राष्ट्रपति को कुछ भी नहीं समझा करते थे, जो अपने दबाव के कारण बातें मनवा लिया जाता था राष्ट्रपति से, जब इंदिरा गांधी के द्वारा खुद को भारत रत्न दिया गया, नेहरू के द्वारा खुद के भारत रत्न दिया गया, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, तो ये खुद का नाम डलवा कर खुद को ही भारत रत्न दिए हैं। और एमरजेंसी के समय ये राष्ट्रपति के ऊपर दबाव डालकर एमरजेंसी लगवाई गई थी। तो ये राष्ट्रपति के अपमान की बात ना करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इस तरह ये स्टार्ट करता है तुरंत की कपट बिखेरने लग जाता है। जैसे कि संसद भवन का उद्घाटन था आज, प्रधानमंत्री ने सिंघोल की सांस्कृतिक पूजा की। पता लगाना मुश्किल हो रहा होगा कि यह कवरेज हिंदुत्व के अवतरण का हो रहा है या संसद की नई इमारत के उद्घाटन का। कई चैनलों पर विश्लेषक के रूप में संसदीय परंपरा के ज्ञानी के साथ साथ साधु संत और धार्मिक मठों के प्रमुख भी बुलाए गए, बिठाए गए, तो कुल मिलाकर फर्क करना मुश्किल होता रहा कि कार्यक्रम किस चीज का है, धर्म के महिमा मंडन का या संसदीय परंपरा के महिमा मंडन का।
जैसे इस चैनल के स्क्रीन पर अचानक से एक अकेला सब पर भारी फ्लैश होने लगा। इसका क्या मतलब है? एक अकेला सब पर भारी का संसद के उद्घाटन से क्या? ये कोई हमें समझ नहीं आ रहा, ये कोई धार्मिक पूजा थी या फिर संसद भवन की पूजा थी, ये कंफ्यूज है बोलते। इसको समझ ही नहीं आया कि वहाँ इतने सारे पुजारी थे। मुझे लगा कि कोई धर्म संसद चल रहा होगा, लेकिन ये तो संसद में भारतीय संस्कृति के द्वारा, भारतीय वैदिक सभ्यता के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा ही यहाँ पूजा पाठ किया जा रहा है। ये तो एकदम से पीड़ा वाली स्थिति है। ये तो ये व्यक्ति की कुंठा वैसे ही निकली, जहाँ हिंदुत्व की बात आती है, जहाँ धार्मिक ग्रंथ, धार्मिकता जुड़ जाती है, भारतीयता जुड़ जाती है, भारतीयता की स्वाभिमान की बात होती है, वहाँ इनको पीड़ा स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और वो राष्ट्रपति को नहीं बुलाए, लेकिन उनका जो पत्र के माध्यम से उनका उद्घोषण था उसको उप सभापति के द्वारा पढ़ा गया। इस धूर्त व्यक्ति को, कांग्रेस के प्रवक्ता को, एक लंपट व्यक्ति को, एक चाटुकार व्यक्ति को इतना नहीं पता कि राष्ट्रपति अगर वहाँ उपस्थित होते तो राष्ट्रपति सबसे सर्वोच्च पद है, उसके उपस्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति मुख्य अतिथि हो ये तो राष्ट्रपति का अपमान होता ना। लेकिन ये व्यक्ति सेंस और सच्चाई, एथिक्स को, सब चीज़ को बांध के, पत्थर बांध के नदी में फेंक चुका है ये, तो इसको अब फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरे को सिर्फ लांछित करने का प्रयास करता है और ये टट्टी मुले के टेलीप्रॉम्प्टर में ऐसा रख के आधे घंटे की वीडियो में बकचोदी करता है बस। अब कुछ नहीं है, कुछ भी बोलता है, बिना साइंस की बातें करेगा वो। कहाँ की बात, कहाँ सिंगोल की बात है और कहाँ जंतर मंतर की रैली में पहुँच गया वो। क्या यही है नया भारत? क्या यही है ये? क्या स्वाभिमान की बात करेंगे जो खुद दूसरे के टुकड़े में पलते हैं, जो जिनका कोई एक स्वाभिमान नहीं है, हा? वो क्या बात करेंगे स्वाभिमान की? आज की स्थिति ऐसी है कि रंडिया मोहब्बत करना सिखा रही है, मतलब वैश्या आपको वर्जिनिटी के ऊपर बोल रही है कि मैं वर्जिन हूँ, इस प्रकार की बात है इसकी पत्रकारिता के हिसाब से। एक रंडी बोल रही है कि मैं वर्जिन हूँ, ये इसकी पत्रकारिता है। जो दो दो कौड़ी में बिक जाते हैं वो एक आज लोगों को बात कर रहे हैं कि सच्चाई और बुराई की बात कर रहे हैं। इनको तो हक नहीं है पहली बात तो ये शब्द बोलने का, सच्चाई और बुराई का, क्योंकि ये तो बांध के कब से फेंक चुके हैं। जो कि सिर्फ भारत के, अगर कुछ अच्छाई की बात होती है, भारत को कहीं ऊंचा दिखाने की बात होती तो इनकी पीढ़ा सबसे पहले स्टार्ट होती है। ये पता नहीं किस, कहाँ से पैदा हुए, इनके अंदर किस चीज़ का कुबाल है, कौन सा कीड़ा है जो मर ही नहीं रहा है। ये कभी खुश नहीं हो सकते ये व्यक्ति। अगर कुछ होता, जैसे आपके घर में शादी है, ठीक है, और आपके चार गली छोड़ के किसी की देहांत हो गया, तो ये व्यक्ति शादी के लिए खुश नहीं रहेगा। ये दोनों को तुलना कर देगा, अरे वहाँ कोई मर गया और आप यहाँ शादी मना रहे हैं, क्या यही है भारत का लोकतंत्र? क्या यही है भारत का संविधान कहता है कि आप ये कर, मतलब कहाँ का कहाँ जोड़ देगा और उसको तुलना करेगा। ये ऐसा धूर्त व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति है जो चींटी के गाड़े में बांस डालने वाली बात करता है, जिसके दांत से चने नहीं चबाए जा रहे हैं, गाड़ से नरियल तोड़ने की बात करता है। ये ऐसा व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति है। कहाँ किसकी तुलना किससे करना है इसको कुछ नहीं पता है, ठीक है, लेकिन सबको जोड़ देगा। क्यों? क्योंकि इनकी एक मुफ्त जो इनका वो है, जो जाहिल लोग देखते हैं इनको, उनको खुश करने के लिए सब हिंदू विरोध करता है और इसको धड़ल्ले से सब्सक्राइबर गेन हो जाते हैं, क्योंकि ये शुरू से दोगली मानसिकता के साथ कट्टर लोगों को अपने इसमें शामिल किया है, तो उन्हीं लोगों की जी हुजरी करता है, उनको खुश करने के लिए वीडियो बनाता है। और क्या, शुरू से तो वही कर रहा है। इसके पास कॉमन सेंस नहीं है और कुछ है नहीं, एक बुद्धि नहीं है, खाली बकचोदी करवा लो इससे फुल। कभी क्या आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपको वीडियो देखना नहीं आता, मेरे पास शब्द नहीं है भाई, इसको क्या बोलूं मैं। और बता रहा कि न्यूज़ चैनल वाले दिव्य, भव्य, गौरवपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किए, जो कि एकदम, ये शब्द एकदम खोखले लग रहे थे। मैं कुछ नहीं बोल सकता, जितना टॉक्सिक व्यक्ति है ना, इसको देख के हमें ना ऐसा लगता है थप्पड़ी थप्पड़, मतलब इसके शकल को देख के चीड़ हो जाएगा आपको। अब कोई बोलेगा किसी के शकल पे नहीं बोलना चाहिए, तो माचूदा हम बोलना चाहिए। अगर कोई टट्टी टाइप दिख रहा है तो टट्टी बोलेगा, क्या बोल देगा, क्या मशरूम टाइप का दिख रहा है बोल के, तो अलग झूठ है भैया। सच अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर सच ही बताएगा ना तुमको कैंसर है, नहीं एक ये तो फुंसी है बोल के, तो आप बच जाओगे, नहीं कैंसर का कैंसर बोलना पड़ेगा आपको। ये दोगली दुनिया में नहीं रहते हम, सच को सच बोलते हैं हम। ये कुकुर मुक्ता जैसे आदमी, इसको स्वाभिमान के विषय में क्या पता होगा, क्या होता है भारत का स्वाभिमान, क्या होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होता है। जो इंसान अपने आप का, अपना जमीर बेच चुका है, उसको स्वाभिमान,
सेल्फ रेस्पेक्ट, एथिक्स, इसके बारे में क्या पता होगा? घंटा पता होगा कुछ? जो दूसरे के चरण वंदना में पीछे रहते हैं उनको क्या ही पता रहेगा? और ये जंतर मंतर की बात करते हैं, जंतर मंतर की बात कर रहे हैं कि अफसोस कि हमें इन तस्वीरों के फोटोग्राफर का नाम पता नहीं, मगर इन्हें साक्षी मलिक और कांग्रेस ने ट्वीट किया है। इन तस्वीरों को देखकर क्या कोई भी कह सकता है कि सेंगोल के आदर्शों का पालन हुआ है? क्या यही नीति परायणता है? अपने साथ कथित रूप से छेड़खानी और यौन शोषण करने वाले भाजपा सांसद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये महिला खिलाड़ी धरने पर बैठी थी और उनके समर्थक भी। इनके साथ आज ये बर्ताव हुआ है। आज ही साक्षी मलिक ने ट्वीट में लिखा है कि पीएम कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और फिर खिलाड़ियों की गिरफ्तारी होती है, क्या यही मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? साक्षी मलिक ने अपने ट्वीट किया, इसकी बकचोदी देखो ना। अफसोस यह है कि जो ट्वीट की साक्षी मलिक, उसके वीडियो में बकचोदी इसकी देखिए। ये अपने आपको बहुत बड़ा लेखक सोचता है। अफसोस कि इस फोटोग्राफर का नाम पता नहीं, लेकिन इसको पोस्ट किया साक्षी मलिक ने। अरे भोसड़ी के, कुछ भी बोलना है। कहीं नाश्ता करने जाते हो तो कोई नाश्ता देता है तो उसे क्या नाम? अफसोस ये कि नाश्ता देने वाले का नाम पता नहीं मालूम था। अगर आपको डिलीवरी कोई देने आया तो कि डिलीवरी देने आया, अफसोस ये है कि इसका नाम पता मालूम नहीं था। यही इसकी पत्रकारिता है, यही इसकी लिखावट है बकचोदी। अफसोस ये है कि फोटोग्राफर का नाम नहीं है। ये बहुत अपने को सबासी देता है, ये लिख लिया, वाह वाह, इससे अच्छा तो कोई लिख ही नहीं सकता। ये तो अब कलम तोड़ने वाली बात है, ये ऐसी मतलब कलम तोड़ने वाली बात है। लिख कर अब मैं फेंक दिया, फिर पीछे से गाना बजेगा दी बॉय वाला, माय पेशेंस इज वेनिंग, माय वेनिंग इज, ऐसा वाला नहीं गाना दी बॉय भोसड़ पप्पू। और ये इसकी पत्रकारिता में शब्दावली, ये शब्दावली के ज्ञान पेल रहा है ना गोदी मीडिया। ये मतलब ये एक उच्च स्तर का अपने आपको जर्नलिज्म जर्नलिस्ट मानता है ना, अब पत्रकार मानता है। ये इसकी शब्दावली है, ठेलना ठेलना कोई शब्दावली है, शब्द है कोई? एक अच्छा इंसान अपने शब्द में ठेलना वर्ड यूज़ करता है, ये इसकी पत्रकारिता है। ये इतना ही नहीं, बहुत गिरा हुआ इंसान है, इंसानी है बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ा उसके लिए सम्मान है। एक तरह से इंसान नहीं है ये, देश को लगा हुआ एक लीच है जो धीरे 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 खून चूस रहा है देश का। ऐसे लोगों के लिए ना शास्त्रों में एक अलग सजा रखा गया, ऐसे लोग के लिए, ऐसे लोग को ना शास्त्रों में ना मादरचोद कहा गया है। इसी प्रकार के व्यक्ति है दोगली मानसिकता वाले, क्योंकि भारत को अगर कोई चीज भारत के गौरव में उसको वो कर रही है तो इसको दुख हो जा रहा है। क्यों भाई, तू भारत का नेतृत्व कर रहे हो, भारत की इतनी जनता उसको चुन के लाई है, भारत की जनता उसके से समर्थन कर रही है, उससे खुश है, तो तुम कौन होते दो कौड़ी के लोग बोलने वाले? मतलब तो तुम तो भारत के लोगों की अपमान कर रहे हो एक हिसाब से। भारत का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अरे लोकतंत्र को तो तुम ही नहीं मान रहे हो, सबसे पहले जो लोगों के द्वारा चुनकर लाया गया है उसी को नहीं मान रहे हो तुम तो। लोकतंत्र की बात करते हुए हमने बोला ही ना कि रंडिया आप मोहब्बत करना सिखाएगी लोगों को, यही एकदम चरितार्थ होता है इनके ऊपर। ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जो लोगों के द्वारा इनको चुनकर लाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया इनको, ये लोकतंत्र का दुहाई दे रहे हैं। मतलब ये हंसने का विषय है, मतलब खुद को एक बार चेहरे आईना में चेहरा देख के मुंह मतलब थूक देना, कम से कम आपके मानसिकता में आप अपने उसमें थूके होगे लगेगा आपको, इतने गिरे हुए इंसान हो, आईना में देखकर आप एक बार थूक देना तो जमीर तो है नहीं, कहाँ लगेगा कुछ। इसके लिए बाकी सब मीडिया गोदी मीडिया है, और क्या बोलता है यही नहीं समझ आता, खाली रोते रहेगा रोते रहेगा। जहां भारत के, उसको समझ नहीं आया बोलते, वहां सिंगोल लगाया गया, दंडवत प्रणाम किया मोदी जी ने, और इतने सारे पंडितों को देखकर, इतने सारे उनको देखकर इसको लगा कि कोई धार्मिक पूजा हो रही है। ये इस प्रकार का निर्लज्ज व्यक्ति है, इतना धूर्त व्यक्ति है, इससे ज़्यादा धूर्त तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये अपने आप को बहुत उच्च कोटि का पत्रकार मानता है, लेकिन किसकी तुलना किससे करनी है इसको झाड़ बराबर नहीं पता। ऐसी बकचोदी से बचे, ये बहुत टॉक्सिक इंसान है यार। इतनी कुंठा किसी के अंदर होगी ना वो, कसम मतलब असहनीय है इसका वीडियो। मतलब क्या बोलता है यही जान, मतलब एक वर्ग विशेष को खुश करता है, बस उसी के लिए वीडियो बनाता है। तो जो भारत का विरोध करते हैं तो वो इसके वीडियो में आते हैं, जो भारत की संस्कृति से हेट करते हैं वो इनकी वीडियो में आते हैं। जिसके लिए सही गलत कुछ चीज़ नहीं होता, ये अगर मतलब बोल दिए बोले सही गलत तब तय होता है, समझे? कोई मॉरल
मॉरल वैल्यू नहीं होती कोई, मतलब किसी की मतलब तुलना कहीं से कहां से कहीं। ये तो ये भी बोल देगा कहीं अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से, कोई किसी जानवर को मार देगा, क्या यही है भारत का लोकतंत्र? वहां संविधान की पूजा की जा रही है, संविधान में सबको बराबर हक दिया गया है, और यहाँ कुत्ता मर रहा है, क्या यही देश बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? ये ऐसी बात चौधरी कर देगा, इसका कोई हद नहीं है। क्योंकि क्या होता है, ये इंसान मतलब कभी भी खुश नहीं रह सकता, कभी भी खुश नहीं रह सकता। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करें, और ऐसे माधुर्यों के साथ क्या करना चाहिए कमेंट करके अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।